रोज इस टाइम लाइट चली जावे। बहू वहाँ कोने में लालटेन पड़ी होगी, बाहर को लिया। क्या कर रहा है सोनू? जो मेरी किस्मत की लकीरन पे तुमने जो नई जिम्मेदारी का रंग चढ़ाया ना, वह रंग ही उतार रहा हूँ। इसके पिताजी का काम थे, वो भी ऐसी बातें करने लगा। रोका सूखा खाना, घर में 3 आदमी को कम पड़ रहा, जो मेरा ब्याह करवा दिया, और वो भी एक लोता प्लॉट बेच के। उस प्लॉट में व्यापार भी तो कर सके। तेरे पिताजी मजदूर है और तेरे दादाजी भी भट्टे पर मजदूरी करया करे, तो तू कैसे व्यापार कर लेगा? हाँ, मेरी बात सुन, जो कुआं का मेंढक होवे ना, वो कितनी भी ऊंची छलांग लगा ले, वो रवे कुएं में ही है। माजिया कुएं से निकलना, और निकलने के बाद कल सुबेरी मेरी गैल भट्टे पे जानो है। तेरी कमाई भी आएगी और मेरी कमाई भी आएगी, दुगनी कमाई दुगनी दारू। है सोन, मेरे को भी एक रोटी खाल दे। लक्ष्मी माता, राम राम। मुनीम जी, ये मेरा लौंडा है सनातन। तो मैं क्या करूं, तेरा लौंडा है तो। आरती उतारो इसकी, लगा दे काम पे। चलो चलो चलो। लौंडे पे नजर रखियो, तेवर ठीक नहीं लगते इसके। उधर बाबा को ना खांसी हो रही है, तो उनको पानी ले जान दो ना। तू डॉक्टर लग रहा है, चुपचाप काम कर ले, खोपड़ी खोद दो लट्ठे मार के। पानी पिला है। और लौंडे इधर आ। सर देखिए ना, उधर एक बाबा को ना खांसी उठ रही है, तो मैं उनको पानी ले जाने आया हूँ। ये भाई लेके ना जान दे रहे, पानी पे तो सबका ही हक है ना जी। हक गना बड़ा समाज से भी हो रहा है। हा? मालिक आप ही को बालक है, आज तो ये काम पे आएगा। काम करने आया या मजदूरों को भड़काने? दोबारा ये सब बकवास की ना तो इसी भट्टे में फूंक दूंगा, समझा? चल निकल, लेके जा इसे। मालिक मालिक माफ कर दो, गलती हो गई, ये माफी मांग लेगा मालिक। चल बेटा माफी मांग, बेटा माफी मांग, माफी मांग। चल घूर क्या रहा है शराबी की औलाद। और कौन कौन दो दो हाथ करेगा सनातन से? कोई ना है, चलो फिर कसरत करो। शाबाश, आजा फिर। रहने दो गुरुजी, यही पटक के मारूंगा। हनुमान जी का प्रसाद है यो, इसे मना नहीं किया करते। कटक जा। कुश्ती में ताकत से ज्यादा दिमाग और फुर्ती की जरूरत होती है, जो तेरे पास भरपूर है, लेकिन खुराक भी जरूरी है। मेरे घर की रूखी सूखी रोटी मेरी खुराक है गुरुजी। अरे तो बना ले अखाड़े कोई अपना घर। मैं किसी को एहसान न लेता हूँ। सनातन बेटा, इसे एहसान नहीं, सपोर्ट कहा करते हैं। सपोर्ट ही करनी है गुरुजी, अपने परिवार को। मुझे कैसे भी करके अपने परिवार को इस गरीबी से निकालना है। बहुत मेहनत करनी है, अवसर की मोह तलाश है, बस कोई रास्ता ही ना दिख रहा। तू फिक्र ना कर, एक दिन तेरा रास्ता खुद ब खुद तेरे सामने आ जाएगा। जय हिंद सर। जय हिंद। देख रहा है भाई, इज्जत तो वर्दी की होती है, डांट ही अलग है भाई पुलिस वालों के। वैसे भाई तूने कहाँ पॉकेट मारी? भाई आपको किस एंगल से मैं पॉकेट मार लग रहा हूँ? सर आप कहाँ तक पढ़े हो? क्या एजुकेशन? 12वीं पास हूँ मैं। 12वीं तो जी मैंने पास कर रखी है। पुलिस में भर्ती होना चाह रहा हूँ। हाइट भी आपसे थोड़ी सी ज़्यादा है और मेरी तो तोंद भी ना निकल रही। क्या बकवास कर रहा है तू? पुलिस में भर्ती होगा जी तो बहुत ईमानदारी से नौकरी करूँगा। बावला हो गया क्या? पुलिस की भर्ती के लिए रिटर्न और फिजिकल निकालना पड़ता है और इस चक्कर में आदमी निकल जाता है। जब जी आपने क्लियर कर लिया तो मैं भी कर ही लूँगा। अच्छा, तूने जो करामत की है ना भट्टे में, उसका केस बनेगा और क्रिमिनल रिकॉर्ड वाले जाते हैं जेल में, ना कि पुलिस में। मत करो ना जी केस। ऐसा है, उधर खड़ा हो जा। चल। सर मत करो केस, मेरी कोई गलती ना है जी। अरे कोई हटाए इसको। चलो मान जाओ जी, मत करो। अरे बच्चे का दिल रख लो भाटी जी, एक आध केस कम हो जाएगा तो इसमें आप ही का फायदा है। क्यों? आओ रतन भाई आओ, बैठो। अरे वकील बाबू को भेज देते हैं, आपने तकलीफ क्यों की? पहचाना मुझे? अबे मैं रतन हूँ, रतन। 10वीं में तेरी तो आंसर सीटें कॉपी करके तो पास हुआ था रतन। भाई तू तो 10वीं के बाद दिखाई ना कहाँ चला गया। समझ ले सही टाइम पर अकल आ गया और काम धंधे पर लग गया। अब ग्रेजुएट लौंडे तो हमारे नीचे काम करते हैं, ये हमारे खास दोस्त है दरोगा जी। इनका मामला रफा दफा करो और बट्टा वाले से हम बात कर लेंगे। ठीक, जब आप बात कर ही लोगे तो काम हो ही जाएगा। तेरे लिए कुछ खास काम है, आकर मिलियो। ठीक, चलो। हाँ भाई, इधर साइन करो पेपर पे और जाओ यहाँ से। वाने मोए शराबी खाओ तो यहाँ को इतना भड़कने की क्या जरूरत थी? मेरे पिताजी कोई शराबी कहेगा तो वासु गले मिलूंगा मैं, बाकी जान निकाल लूंगा मैं। गोबर भरो पड़ो तेरे दिमाग में, और कुछ ना है। गोबर तो उन भट्टा वाले इनके दिमाग में भरा हुआ है, जितने भी आदमी वहाँ काम कर रहे हैं। शरीर में काई के में जान बची ना है, रोज इंच इंच दफन हो रहे हैं वह भट्टा में। दफन होएगा अब हमारा परिवार। निकाल दियो भट्टा से मोए भी। घर को खर्चो कैसे चलेगा बताओ? मैं कुछ करूंगा ना पिताजी। कुछ करने से काम नहीं चलेगा। हाँ, पूरा खर्चा उठाना पड़ेगा घर का। मैं करूंगा पिताजी। रोज एक अद्धा चाहिए मुझको। मैं करूंगा। किसी गलत काम में मत उलझ जाइयो। मेहनत से काम करियो, मेहनत से। मैं करूंगा। भाई सनातन, पहले काम तो समझ ले। भाई कैसो भी काम हो मैं कर लूंगा, कोई दिक्कत वाली बात ना है। शाबाश लौंडे। वैसे कोई भारी काम ना है। वो देख, वो मेरा खास चेला है पिंटू। उसके पीछे बाइक पर माल लेके बैठ जा और जिम्मेदारी से सामने वाली पार्टी को दे आना है। जैसे माल डिलीवर हो गया, पैसा तेरे हाथ में। यही डिलीवरी हफ्ते में 2-3 बार करनी है बस। पिंटू, अरे पिंटू, अरे ये बोरी उठाना भाई, कब से पड़ा है यहाँ पे। चल अंदर ले। भाई इन बोरी में क्या हुआ है? अरे मेरी जान, पहले तो तू ये पैसे पकड़ ले, हाथ बड़ा। इन बोरियों में कंस्ट्रक्शन के मजदूरों के लिए पानी की थैलियाँ जाती हैं। अरे प्रताप भाई का काम है, तू चिंता मत कर, काम एकदम क्लीन है। ठीक है, अगली बार याद करो तो आना डिलीवरी के लिए। ठीक है, चलो जाओ, मुझे बहुत काम है। जाओ जाओ, उठाओ यार। काम एक बार बोलो तो 4 काम करना। ठीक, चलो उठाओ। भैया चरण स्पर्श। जी जी जी। अरे चिंता किस बात की भैया, हम है ना यहाँ पे। अरे बस हमने जिम्मेदारी ले ली तो बस उसको पूरा करके दिखाएंगे। हाँ ना, आप चिंता ना करो। अरे यहाँ आने की क्या जरूरत है, हम है ना यहाँ पे। उठाना भाई, उठाना, चलना, हाथ बढ़ा। जी मैं सब्जी ले आया हूँ, खाना बना दियो। हाँ भाई, क्या चाहिए? भाई मुझे पुलिस में भर्ती होना है। यहाँ भर्ती नहीं होती, यहाँ तो तैयारी होती है बस। एसएससी, यूपीएससी, रेलवे, बैंक, पुलिस, देखो सब वही कर रहे हैं। हायर सेकेंडरी लेवल, तो इसका मतलब है 10+2 अगर आपने कर रखी है। परेशान क्यों हो जाते हो? अब यहाँ कह रहा है मोहन पूर्व दिशा की। पूर्व तो ये होता है B∝A+C 2/7 का है, तो C की वैल्यू बता दो क्या होगी। भैया मुझे पुलिस में भर्ती की तैयारी करनी है। हाँ तो उसके पैसे लगते हैं, तुम्हें एक सीट दे देंगे, दिन भर पढ़ना। मैं लाया हूँ ना भैया पैसे, ये लो। भाई 700 रुपये महीने की फीस है। 700 तो नहीं है भैया मेरे पास, बस इतना ही है। तो घर पे पढ़ लो, मोबाइल में यूट्यूब तो होगा ना। आप मेरे फोन में यूट्यूब डाल दीजिए। भाई ब्लैक एंड व्हाइट टीवी पे 3D फिल्म नहीं चलती। तूने तो फॉर्म भर के भी गलती कर दी शायद। फॉर्म भी भरना होता है। आप फॉर्म भरवा दो, मैं ठीक है। कोई अच्छा काम मिल गया है क्या? ऐसे 12वीं पास को क्या ही काम मिलेगा। पुलिस की भर्ती का फॉर्म भरा मैंने। तुम इंस्पेक्टर बनोगे? नहीं, कांस्टेबल। ये बात घर में किसी को पता ना लगनी चाहिए कि मैंने फॉर्म भरा। मैं थोड़े ना किसी से कुछ कहती हूँ। मैंने तो ये तक नहीं बताया है कि तुम बिस्तर पर नहीं, जमीन पर सोते हो। अच्छा सुनो, मेरे बुआ के लड़के ने भी तैयारी की थी। काफ़ी कुछ तो 12वीं की किताब से ही मिल जाएगा, और जीएस और रीजनिंग की किताब मैं ले लूँगी उससे। तुम अखबार पढ़ लेना तो करंट अफेयर हो जाएगा तुम्हारा तैयार। करंट अफेयर्स? ए भाई सनातन, क्या चलता रहता है तेरे दिमाग में? ये नौकरी वोकरी सब दूर के ढोल हैं भाई। तैयारी करते करते घर बार सब बिक जाता है। देख सुन, बड़ा भाई मानता है ना, एक सही सलाह दूंगा, भट्टे पे वापस चला जा। सुन रहा है कि नहीं सुन रहा है भाई? पता नहीं क्या करेगा अब। ये देखिए 4 बोरी तो हम पहुंचा दी, अभी 4 बोरी और जाना है, तो ही 8 बोरी पूरी हो जाएगी। तेरा यू प्रताप शराब का व्यापार कर रहा है और तू मेरे से यू काम करवा रहा है। ए, तमीज में रह ले। ऐसा कोई हाई फाई नहीं है तू जो एक काम नहीं कर सकता। शराब ने मेरा घर बर्बाद कर रखा है। मैंने तेरे से यू कही मैं कर लूंगा, या का मतलब यू ना है कि मैं गलत काम कर लूंगा। गलत काम तो तब हो जाएगा जब मैं तुझे पकड़वा कर तेरे खिलाफ केस बनवाऊंगा, फिर दिखाइयो तू पुलिस में भर्ती हो। अगर मेरे सपने इनके बीच में आया ना, भोले बाबा की कसम तेरी खाल में फुस भर दूंगा। हासिल करेगा एक दिन मंजिल, दुनिया की नजरों में जो कुछ दिल माना सफर या ये मुश्किल। एक दिन बनेगा तू काबिल, चाह नदी तो तू समंदर, जगा लहू जो सोया अंदर, जो चाहे दबाना तुझको वो होंगे एक दिन नतमस्तक। कर फतेह, कर फतेह, बोले का है तू बगस, हंसने दे, हंसने दे, जो हंसे है ये जगत। कर फतेह, 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 कर फतेह। सांस लो अंकल जी, छोड़ो। शराब वराब पी रहे हो अंकल जी अभी भी? ना, अभी ना, सांझ को मंगा लियो। अरे अंकल जी छोड़ दो अब। हैं? शाम, दोपहर, सुबह कभी नहीं पीनी। अच्छा, ये लीवर देख रहे हो, ये खराब हो चुका है शराब पी पी के। आराम करो, दवाई मैं सनातन को लिखवा दूंगा, ठीक टाइम से ले लेना। हाँ चलो आराम करो। दवाई लाके दे दियो अंकल जी को। भाई मैं सोच रहा है कि मुझे ना कुछ काम हिल्ला कर लेना चाहिए अब। पैसा जुड़ेंगे तो ही पिताजी को इलाज करवा पाऊंगा, क्योंकि जितना वो पीवे है ना उस हिसाब से उन्हें पूरी ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। और मुझे अच्छा भी ना लगता तुझे बुलाऊं और फिर पैसा भी ना देता हूं। तो अब पैसे की बात आ गई। नहीं वैसे तो बड़ा भाई बोलता है तू मुझे। क्या करूं ना अंकल से, मर जान दूं अंकल जी को? नहीं सही है भाई, तू भी ये सोचता होगा कि डॉक्टर तो है नहीं, या तो कंपाउंडर ही। ऐसा है, ये क्लिनिक पे सफाई करते करते ना आधा डॉक्टर मैं भी बन गया हूँ। भाई ऐसी कोई बात ही ना है। एक दिन भाई तो बता रहा ना है कि खून बेच के ही पैसा कमा सके हैं। तू बेवकूफ है थोड़ा। नहीं बेवकूफ है तू भाई, तुझे पुलिस की भर्ती के लिए फिट रहना है, खून बेच के पैसा कमाएगा। भाई वो चिंता मत कर, तो मैं संभाल लूंगा। देख ऐसा है, मुझे इस पाप में शामिल मत कर तू। मैं तेरा हाथ जोड़ रहा हूँ भाई। भाई मेरे पास अभी कोई रास्ता ना है, मुझे अपना घर चलाना है। भाई मेरे लिए रास्ता खोल दे भाई। ख्वाब पूरे करे बिन कैसे तू सोता है, बिन टूटे भला कोई कैसे जुड़ता है। रोता है जो तू हाथों की लकीरों पे, हाल पूछ उनके तू जिनके हाथ नहीं, वो भी जी रहे तकदीरों पे। राह नदी तो तू समंदर, जगा लहू जो सोया अंदर, जो चाहे दबाना तुझको वो होंगे एक दिन नतमस्तक। कर फतेह, कर फतेह, बोले का है तू बगस, हंसने दे, हंसने दे, जो हंसे है ये जगत। तेरे को समझ में नहीं आ रही का भाई? आदमी के शरीर में 5 लीटर खून होता है, क्यों मरना चाहता है तू? भाई मुझे पैसों की जरूरत है। भाई कायो, मैं तो सुकई कि मेरे को रोज अद्धो चाहिए, अद्धो। और ये इस पवे का क्या करूं मैं? सोनू पे पैसा ना है आज, कोई बात ना, इसी से काम चला लो। ऐसा ना है। मैं तो पहले ही कही कि यहाँ के बस की कुछ ना है, और मैं तो आज भी कहता हूँ कि चल मेरे साथ भट्टा पे। अरे हाथ पैर जोड़ देंगे वाकई, लेकिन ना ये तो लाट साहब बन के खड़ा है ना, देख देख कैसे टीटी बन के खड़ा है। क्या कर रही है? बालक ना है वो, शादी शुदा है, बहू देख रही, बहू देख रही, टीटी बन के खड़ा है। देखा तुमने खाना खाया आज? दोपहर में ज्यादा खा लिया था तो अभी भूख नहीं है। तुम्हें तो झूठ बोलना भी नहीं आता। घर में कुछ है भी खाने को जो दोपहर में खाया होगा? अपने मन पर इतना बोझ लेने की जरूरत नहीं है। क्यों ना लूं बोझ? घर की जिम्मेदारी मुझ पे ही तो है। और इतना मुझे पता है कि ये जिम्मेदारी में बिल्कुल भी ना निभा पा रहा। तुम भी चाहो तो मुझे पिताजी की तरह ताना मार सको। ये जिम्मेदारी सिर्फ तुम्हारी नहीं, मेरी भी है। आज एक रोटी है तो आधी आधी खा लेते हैं। आधी भूख तुम रख लो, आधी मुझे दे दो। गुरुजी, गुरुजी, ये क्या हुआ गुरुजी? आप मेरी तो एक्सीडेंट में टांगे खराब हो गई, मगर तेरा तो सब कुछ ठीक ठाक है। फिर तूने ये क्या हाल बना रखा है अपना? गुरुजी किस्मत मुझसे जैसे नाच नचवाती जा रही है मैं वैसे नाचता जा रहा हूँ। किस्मत की तो बात ही मत कर मुझसे। जिनके हाथ नहीं होते ना किस्मत अपनी वो भी लिख लेते हैं, तो जिनके पैर नहीं होते मंजिल तक अपनी वो भी पहुंच ही जाते हैं। तू अपना खून तो बेच सकता है लेकिन यहां बच्चों को मेहनत करके कुश्ती नहीं सिखा सकता। अरे चेला ही बना रहेगा, गुरु नहीं बनेगा। गुरु बनने से घर नहीं चलता गुरुजी। लेकिन इज्जत मिलती है और नाम होता है नाम, और बेटा जब नाम होता है ना तो पैसा भी आ ही जाता है। पहले अपनी सेहत बना फिर भविष्य बनाइयो। खुराक मैं तुझे दे दूंगा, तू बस मेहनत कर। क्या हो गया? तू जा भाई, मैं आ जाऊंगा। वो कहाँ जा रहा है अब? तू जाना, तू मैं आ जाऊंगा। तो यार इसकी समझ में नहीं आती, अब पता ना क्या करेगा। जा यहाँ से, मैं मोबाइल नहीं दूंगा। ए भाई तो किस एंगल से मैं मोबाइल चोर लग रहा हूँ? मुझे क्या पता? और मोबाइल चोर टाई लगाकर थोड़ी ना घूमते हैं। इतनी रात में तू यहाँ कर क्या रहा है? कोई गलत काम नहीं कर रहा, घर में चक्की चलती है तो डिस्टर्ब होता हूँ, इसलिए यहाँ ट्यूबवेल पर आकर पढ़ाई करता हूँ। किस चीज की पढ़ाई? पुलिस भर्ती। और ये मोबाइल मेरे भाई का है, वो दिन को काम पे चला जाता है और जब रात को आता है तभी पढ़ाई हो पाती है। मैं भी तेरी गैल आके पढ़ लूँ क्या? अभी मेरे पे पैसा ना है, जब आ जाएंगे तो दे दूंगा। मैं तो खुद फ्री में पढ़ रहा हूँ। RWA वाले अंकित बाटी सर को घर की हालत बताई तो उन्होंने फीस माफ कर दी। आज के टाइम में इतने बढ़िया टीचर भी हैं। मेरा नाम सनातन है, सनातन विजय। मैं मनोज। मनोज, आज तूने मेरे अंदर एक नई ऊर्जा भर दी है। आज से एक नई शुरुआत होने वाली है। मैं तेरी गैल यहीं पढ़ने आऊंगा। मिलता हूं मनोज। अरे अब की बारी है रे हमारी, छीन ना कोई पाएगा। खूब जकड़ के है रे तैयारी, देखता तू रह जाएगा। बहुत आएंगे ऊंच नीच पर हम भी पूरे बदतमीज रे। सूज तान के, टी शर्ट तार के, रे चाड़ा पाड़ के। सिपाही होलिया तैनात, सिपाही होलिया तैनात। अरे अब की पारी है रे हमारी, छीन ना कोई पाएगा। जो आ गया कंपटीशन में फिर धूल चाट के जाएगा। अब की पारी है हमारी, हम सब पे भारी। हाँ अब की बारी, दौड़ मारूं सुबह शाम की, यही बात है मेरे काम की। रे बांध दी खुराक, रे बांध दी खुराक। धनुष है मेरे हाथ में, श्री राम है मेरे साथ में। भाई कर देंगे राख, भाई कर देंगे राख। सूझ तान के, शर्ट तार के, रे चाड़ा पाड़ के। सिपाही होलिया तैनात, सिपाही होलिया तैनात। अरे अब की बारी है रे हमारी, छीन ना कोई पाएगा। जो आ गया कंपटीशन में फिर धूल चाट के जाएगा। आंधी हो या ना हो, लेकिन दिल में आंधी होनी चाहिए। उठ जा भाई। मनोज, जो सोता है वो खोता है। भाई थकान के बाद नींद आ ही जाती है। वैसे भाई, तुझे नहीं लगता अगर हमारे जीवन में पैसे की बाधा नहीं होती तो शिक्षा का स्तर और भी ऊंचा होता? होने को तो बहुत कुछ हो सकता था मेरे भाई, लेकिन एक बात याद रख, प्रभु श्री राम ने जिस हालात में पैदा किया है, शायद हमें सफल होने के लिए उन्हीं की जरूरत हो। पता है, राम जी ने एक आम आदमी के रूप में जन्म लिया। उन्होंने एक आम आदमी की तरह ही दुख झेले, सीता माता का वियोग सहा और लड़कर बुराई को हराया। जगत के पालनहार श्री हरि विष्णु जी को इस सब की क्या जरूरत थी? जरूरत थी क्योंकि रावण ने अपने अहंकार में यह वरदान मांगा था कि उसे कोई ना मार पाए, ना कोई देवता, ना कोई राक्षस, ना कोई असुर। लेकिन वो मनुष्य को कमजोर समझकर उसका नाम लेना भूल गया। तब प्रभु श्री राम ने आम आदमी के रूप में ही जन्म लेकर उसका उद्धार किया। हमारे लिए भी शायद यह संघर्ष करना जरूरी हो। प्रभु की लीला वो ही जाने। बात तो ठीक कही भाई, लेकिन एक बात बता, तुझमें इतनी एनर्जी आ कैसे जाती है? एनर्जी ने मेरी वजह बढ़ी है। पता है, जब ट्रैक पर प्रैक्टिस करते हुए थक जाता हूं तो पीछे मुड़ के देखता हूं, वहां मुझे वो दिखाई देता है जिससे मुझे भाग के आगे निकलना है। बस जब इस जिंदगी को पीछे छोड़ के आगे निकलने के बारे में सोचता हूं तो एनर्जी आ जाती है। तू भी फिजिकल ट्रेनिंग शुरू कर दे। अरे रिटर्न के बाद बहुत टाइम मिलेगा भाई। टाइम किसी का सगाना होता है, वो रिश्ते मिनटों में बदल देता है। वैसे एक बात बता, तू बाकी सब्जेक्ट्स को तो पेन से लिखता है, लेकिन मैथ्स की प्रैक्टिस पेंसिल से, ऐसा क्यों भाई? भाई जिंदगी ने मुझे हर चीज देने में बहुत कंजूसी की। थोड़ी कंजूसी मैं भी कर लेता हूँ। रबड़ से मिटाकर इन्हीं कागजों पर और सवाल हल कर लेता हूं। भाई सच में तुझसे बहुत सीखने को मिलता है। इतनी तो उन्हें बारिश से नहीं देखी जितना मैं उनमें भीगा हूं। कल एग्जाम है, तुझे डर नहीं लग रहा? तुझे डर दिख रहा है, मुझे वर्दी। कौन सिखाया? तू इतनी रात को कहाँ घूम रहा हो भाई? अच्छा, चोरी चकारी शुरू कर दी दिखा तुम्हें? नहीं पिताजी। मैं कहता हूँ मेरी गैल भट्टा पे चल, तो माने ना है। और वैसे रात भर घुमा लो इससे। आ गए आप? माँ जी, वो कमरे में इतना बड़ा सांप घुसाया था, मैंने ही कहा था कि कहीं दूर फेंक कर आओ। फिर से वापस आ जाता तो? सांप? तू सांप फेंकने गया? कल से मेरी गैल भट्टा पे चलेगो। पिताजी कल तो मुझे बहुत जरूरी काम है। कमाई से जरूरी कोई काम ना है। मैंने कह दियो तो चलना पड़ेगा, वरना इस घर में आग लगा दूंगा। आग अपनी किस्मत लिखना है। अगर परीक्षा से पहले मन घबराए तो मेरा ये गुरु मंत्र याद कर लेना। जब एक सिपाही अपने मोर्चे पर तैनात होता है तो उसे फर्क नहीं पड़ता सामने एक दुश्मन है या पूरी फौज, और जिंदगी की हर लड़ाई में हम अकेले ही होते हैं। जो जीत के लिए तैयारी करते हैं उनका सबसे बड़ा मुकाबला खुद से ही होता है। जब अर्जुन की तरह सिर्फ चिड़िया की आंख देखोगे तो तुम्हें विचलित करने वाली हर चीज गायब हो जाएगी। फिर बस तुम रहोगे और तुम्हारी तैयारी। सनातन क्या हुआ? सनातन तेरा रिटर्न निकल गया भाई। और तेरा? भाई अंकित सर को फोन मिला के थैंक यू बोलता हूं। कौन सा चिल्ला रहा है ये? कौन है भाई तू? कौन है ये? अबे बोलेगा या नहीं? क्यों भाई क्या निकल गया तेरा? हैं? इन्होंने पुलिस भर्ती के लिए परीक्षा दी थी पिताजी, ये पास हो गए हैं। बहू तो क्या पैसे भी लग गए? अभी फिजिकल टेस्ट मतलब दौड़ भाग का टेस्ट अभी बाकी है। बस टेस्ट पे टेस्ट दिए जाओ। बाप धन्ना सेठ है ना तुम्हारा, दो पैसे बचा मत लीजो। बस ऐसे उल्टी सीधी जगह लुटा दो पैसा। हाँ मैं सब जानता हूँ, ये सब तुझे तेरा गुरु करवा रहा है ना। देख देख कितना गुस्सा दिखा रहा है। गर्मी दिखानी मुझे भी आती है। पियो। साथिया सतरंगी संग है, साथिया सतरंगी, साथिया सतरंगी। सजन तू है अगर लगे आसा सफर, हुआ तुझसे मिलन रंगों से भर गया है मेरा घर। साथिया सतरंगी संग है, साथिया सतरंगी, साथिया सतरंगी संग है, साथिया। खाना खा लो। रेखा, तुम कौन सी क्लास तक पढ़ी हो? 12वीं तक। मेरी जिंदगी बर्बाद करने का ठेका ले रखा है इस औलाद ने। हमारे खानदान की औरतों ने कभी घर की दहलीज पार ना करी। भाव, एक बात बता, तेरा अपना भी मन है या सोनू के बहकावे में आके परीक्षा देने को कह रही है? मन तो है माँ जी। ओ भैया, मोए मर जान दे, आगे बात कर लेना अपने जी की। सुनो, लिखित परीक्षा देने देवे हैं, भागदौड़ वाली परीक्षा रहने दियो। अच्छा, अब हमारे घर की बहू दहलीजे लांगेगी? सोनू के पापा समय बदल गए हैं, कर लेने दो बालकों को अपने सपने पूरे, कोई दिक्कत ना है। बच्चों, ये जो फिजिकल होता है ना आपका, ये बहुत अहम पड़ाव है आपके पुलिस में भर्ती होने का। या तो आप इस मौके को जाने दो या जान लगा दो। जी बच्चों। सनातन, आप सबको, तुझे पता है आज हमें क्यों लाया? कामयाब बनाना है जो आप एग्जाम देकर। दरअसल हमें अकेले दौड़ के हमें हमारी काबिलियत का पता नहीं चलता। बात का विशेष ध्यान रखना होगा। आज यहाँ अंकित सर और उनकी पूरी टीम आई हुई है। उनको उस समय ये हमारी कमियां बता के हमें कॉन्फिडेंस देते हैं, इन बातों को, और जिसमें पहले से ही कॉन्फिडेंस हो। चलिए, ट्राई कर चुका सर। कोई नहीं, कर लेगा। निशांत, इसे कहते हैं ओवर कॉन्फिडेंट। जो गलतियां इसने की है ना आज, आप लोगों ने बिल्कुल नहीं दोहरानी, ठीक है? क्या गलती की सर मैंने? गलती? अरे तुम तो ये पूछो कि तुमने सही क्या किया। पहले तो इतनी तेज रेस लगा दी कि इनकी सांस फूल गई और एंड लाइन तक पहुंचते पहुंचते बत्ती गुल। मतलब शुरू में तो बने रॉकेट और लास्ट में फुस्से बम। साइलेंस। जैसे लॉन्ग जंप में ये मुंह के बल गिरे हैं ना, फाइनल फिजिकल में भी ऐसे ही गिरेंगे। सर मैं 100 बार गिरूंगा तो 100 बार उठूंगा भी। बेटा क्या नाम है तुम्हारा? सनातन। सनातन बेटा, फिजिकल में मौके 100 नहीं सिर्फ 3 मिलते हैं। जो इन मौकों को समझ गया वो तर जाता है और जो नहीं वो घर जाता है। समझे बेटा? तुमने कभी अपनी ही आंखों के सामने अपना कोई सपना टूटते हुए देखा है? मैं तो अपना हर सपना तुम्हारी आंखों से देखती हूँ। मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। तुम भगवान पर भरोसा रखो। भगवान की मर्जी तो नहीं समझ पा रहा बस मैं। कभी भरोसा बांध देते हैं, कभी भरोसा तोड़ देते हैं। भगवान पर भरोसा रखने वालों की उम्मीद कभी नहीं टूटती। देखो ऊपर देखो और सुनो मेरी बात ध्यान से। दुनिया हर मोड़ पर सवाल करती है, तो कुछ कर पाएगा, तो कुछ बन पाएगा, तुझसे होगा भी या नहीं। जब तुम्हें जवाब देने का मौका मिले ना तो कोई कमी मत छोड़ना। तुम्हारे आने की खबर धमकती हुई धरती से मिल जाए। तुम्हारी छलांग देखकर आसमान भी 2 कदम पीछे हट जाए। और तुम्हारा जवाब सुनकर तो सवाल ही बहरा हो जाए। जब जवाब देने का मौका मिले ना तो कोई कमी मत छोड़ना। आज के सम्मान समारोह में मैं इस मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगा इस जिले के उस होनहार युवक को जो पुलिस भर्ती की परीक्षा को पास करके जल्द ही सिपाही की वर्दी पहनने जा रहा है। तालियों से स्वागत कीजिए सनातन विजय का। सर, अंकित सर। सर पहचाना इसको? सर मैं वही हूं जो 100 बार गिरकर उठना जानता है और जीतना भी। बिना तरासे हुए हीरे को कभी पत्थर नहीं समझते। और धन्यवाद अंकित सर आपका। आपकी वजह से ना जाने कितने सनातन तर गए। मैं बुलाना चाहूंगा इस जिले के अगले सिपाही रवि कुमार को। तालियां स्वागत कीजिए। सब कुछ दबान कहाँ रह गया, सीने में क्या कुछ छुपा रह गया। पापा गए तुम छोड़ के, अंदर से मैं खोखला रह गया। सब कुछ दबान कहाँ रह गया। बचपन मेरा साथ तुम ले गए, यादों का बस आसरा दे गए। अब दर्द में पुकारूं किसे, जीवन का हौसला ले गए। हम में बस रेत सी रह गई, कुआं रह गया। पापा गए तुम छोड़ के, अंदर से मैं खोखला रह गया। एक पेड़ जैसी थी छाया तेरी, शाखों खुशियाँ मेरी। इस धूप में अब उम्र भर जलता रहूँगा लगता यही। घर में कोई रोशनी ना रही, हर ओर फैला धुआं रह गया। पापा गए छोड़ के, अंदर से मैं खोखला रह गया। सब कुछ दबान कहाँ रह गया। पापा गए तुम छोड़ के। माँ जी राम राम। राम राम बेटा, अकेले का जी लग रहा है वहाँ। माँ जी अब परिवार के बिना किसका जी लगे। एक बात बताऊं, तैने हमारी पीढ़ियों की किस्मत बदल दी बेटा। माँ जी ले रेखा से बात कर, कुछ बात है जो तुझसे ही पहले कहना चाहे। कराओ। सुनो, मेरा रिटन एग्जाम क्लियर हो गया। शुभकामनाएं। बात बताऊं बेटा, तेरे पिताजी तुझसे ना कह पाए, पर जाते समय मुझसे कह के गए कि वो तुम दोनों को सिपाही की वर्दी में देखना चाहते हैं। बचपन मेरा साथ तुम ले गए, यादों का बस आसरा दे गए। अब दर्द में पुकारूं किसे, जीवन का तुम हौसला ले गए। आंगन में बस रेत सी रह गई, आंसू का अंधा कुआं रह गया। पापा गए तुम छोड़ के, थी छाया तेरी, शाखों पे उगती थी खुशियाँ मेरी। इस धूप में अब उम्र भर जलता रहूँगा लगता यही। घर में कोई रोशनी ना रही, हर ओर फैला